हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर ट्रेंडिंग ज्ञान। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो रेनो 12 प्रो 5G मोबाइल में आप बैक बटन सेट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे, या दोस्तों आपने बैक बटन सेट कर रखे हैं उसकी जगह पर आप जेस्चर नेविगेशन को लगाना चाहते हैं तो वो भी आप कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों ऊपर की ओर थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहां पर देखने को मिल जाता है एडिशनल सेटिंग, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सबसे ऊपर देखने को मिल जाता है सिस्टम नेविगेशन, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर दो फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। पहला दोस्तों आपको देखने को मिलता है बटन्स और दूसरा मिल जाता है जेस्चर। अगर दोस्तों आप बटन पर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो बटन पर क्लिक कर देंगे। बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके बटन इस प्रकार से यहां पर सेट हो जाएंगे। अब दोस्तों आप इन बटनों की डायरेक्शन को भी यहां से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इन बटन पर क्लिक कीजिए, आपकी डायरेक्शन यहां पर चेंज हो जाएगी। अगर दोस्तों आप अपने इस फोन को साइड से बैक कराना चाहते हैं, जेस्चर नेविगेशन को लगाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इस जेस्चर पर क्लिक कर देंगे, आपके यहां पर जेस्चर सेट हो जाएंगे। अब दोस्तों आप अपने फोन को इस प्रकार से साइड से बैक करा सकते हैं। तो दोस्तों आप भी इसी प्रकार से ओप्पो रेनो 12 प्रो 5G मोबाइल में बैक बटन सेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें।